सो हेलो एवरीवन, फटाफट से आ जाइए। हाँ फटाफट आ जाइए। आज का जो वल्नरेबिलिटी हमारा होने वाला है वो वल्नरेबिलिटी कॉप्स पे है, CORF। CORS वल्नरेबिलिटी क्या होती है आज हम वो देखेंगे। फटाफट से आ जाइए। वन मिलियन सब्सक्राइबर टारगेट, वाह इतना लंबा चैनल का नाम। हाय, फटाफट से आ जाइए जिससे हम जल्दी से ये वल्नरेबिलिटी स्टार्ट करें। कॉप्स क्या होता है, इसका क्या रिजल्ट होता है, ये क्या वल्नरेबिलिटी करती है, आज हम वो चीज देखेंगे। क्लाइंट साइड की ये वल्नरेबिलिटी है या सर्वर साइड की ये वल्नरेबिलिटी है, इस वल्नरेबिलिटी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनका सोल्यूशंस कैसे निकालें। फटाफट से आ जाइए। होपफुली जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स की मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो फटाफट से ड्रॉप इन द चैट बॉक्स। ओके, ये जो हमारी ये हमारा बग बाउंटी का 16th चैप्टर है जिसमें आज हम ये वाली वल्नरेबिलिटी देखेंगे। ये वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है कंपैरेटिवली दूसरी वल्नरेबिलिटीज के, लेकिन अगर आप सीक्वेंशली बबसूट का ट्यूटोरियल देख रहे हैं, बग बाउंटी की सीरीज देख रहे हैं और साथ के साथ कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए या आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ऐसे सिमिलर हम करते आ रहे हैं। कुछ क्लाइंट साइड की वल्नरेबिलिटीज होती हैं, कुछ सर्वर साइड की वल्नरेबिलिटीज होती हैं, और जो भी वल्नरेबिलिटीज लाए करती हैं वो या तो कुकी साइड पे कर रही हैं या ब्राउजर साइड पे कर रही हैं, दैट इज क्लाइंट साइड पे कर रही हैं, फ्रंट एंड पार्ट पे कर रही हैं, या फिर वो ऑब्वियसली बैक एंड पे जा रही हैं, सर्वर पे जा रही हैं, ठीक है ना। ये वल्नरेबिलिटी क्या होल्ड करता है, ये वल्नरेबिलिटी किस तरीके से वर्क करता है, आज हम वो देखने वाले हैं। फटाफट से आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए प्लीज, और अपन फटाफट से स्टार्ट करेंगे। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स आपकी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। प्रजेश हाय, हेमंत हेलो, या ओके इट्स क्लियर। गेमर एक्स पूछते हैं एक्स एक्स ई कैसे हुआ है। एक्स एक्स ई इंजेक्शन आप देखें, उसमें मैंने प्रैक्टिकली पूरा बता रखा है। ऑल राइट, सोलो हैकर फर्स्ट टाइम इन योर क्लास मैम, ओके ग्रेट ग्रेट, बैठो क्लास में देखो कैसा लगता है। ओके पिंकी सिंह आवाज नहीं आ रही है, जस्ट आई एम आस्किंग फॉर द लास्ट टाइम जिसे मैं फिर स्टार्ट करूँ, इज माई वॉइस क्लियर और नॉट, आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। सम सेइंग येस, सम सेइंग नो, जो येस कह रहे हैं आई एम गोइंग ऑन बिहाफ ऑफ देम, और जो नो कह रहे हैं माइट बी आपका इंटरनेट इशू आ रहा हो। ऑल राइट, मैं स्टार्ट करती हूँ कॉक्स वल्नरेबिलिटी। ये वल्नरेबिलिटी की फुल फॉर्म होती है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये वल्नरेबिलिटी क्या करती है हम ये देखते हैं। इस वल्नरेबिलिटी का थ्योरी पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी अनकॉमन वल्नरेबिलिटी है, बट आप जब इस वल्नरेबिलिटी को पूरा समझ लेंगे, पूरा ध्यान से देख लेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने जैसे एक्स 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 किया मीन्स एक्स एस एस किया, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, हमने CSRF टोकन्स किया, हमने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग किया, SQL किया, हमने साथ में क्लिक जैकिंग किया, एक्स एक्स ई तक पहुंच गए। अब हमारी नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी आई है CORS करके। ये वल्नरेबिलिटी क्या करती है, इसका क्या यूज होता है, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। सो पिंकी कुड यू प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, माइट बी इंटरनेट कनेक्शन इज गिविंग इश्यूज, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू हियर मी करेक्टली बिकॉज रेस्ट पीपल आर हियरिंग मी करेक्टली। ऑल राइट, कॉक्स वल्नरेबिलिटी को पहले हम थ्योरिटिकली देखेंगे एंड देन वील गो इन टू इट्स प्रैक्टिकल। ओके, ये जो वल्नरेबिलिटी है ये ब्राउजर बेस्ड वल्नरेबिलिटी होती है विच इनेबल्स कंट्रोल्ड एक्सेस टू रिसोर्स लोकेटेड आउटसाइड ऑफ अ गिवन डोमेन।
आप लोगों को पता होगा, आप लोग तपन सर की क्लासेस अटेंड करते हैं, आप लोग मेरी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि डोमेन क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, कुकीज क्या होता है, ब्राउजर्स क्या होते हैं. सही बात है. सो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी तो मैं ये मान के चल रही हूँ ये सब आपको पता है. हम आगे चलते हैं. तो जब भी कोई वेबसाइट हमारी डोमेन से ऑब्वियसली डोमेन पे है, सब डोमेन पे है, तो वहाँ पे अगर हमारे ब्राउजर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या हमारे जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे क्लिक चेकिंग, क्लिक चेकिंग में क्या होता था, क्लिक किया एंड वो दूसरे पेज पे चला गया या दूसरा उसका आउट फेस आया, जो आना था वो नहीं आया, दूसरी ही चीज ओपन हुई, ठीक है ना. उसी तरह से क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग होता है. क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का मेन इशू ये है कि ये किस तरीके से जब हमारा यूआरएल लिखा हुआ है, किस तरीके से उस जगह अटैकर यूआरएल को चेंज कर देता है एंड हम उस जगह मूव कर जाते हैं. ऑल राइट, सो देखते हैं एक बार. मैं रीड कर रही हूँ इसको, आप लोग भी मेरे साथ रीड करें जिससे आपको क्लियर होता जाए. क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग इज अ ब्राउजर मैकेनिज्म विच इनेबल्स कंट्रोल्ड एक्सेस टू रिसोर्सेज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ अ गिवन डोमेन. इसका मतलब क्या है, ये एक ब्राउजर मैकेनिज्म है जो कि जनरली जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं डोमेन के बाहर वो उसको भी कंट्रोल कर सकता है, उसको भी देख सकता है. इट एक्सटेंड्स एंड एड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेम ओरिजिन पॉलिसी. सेम ओरिजिन पॉलिसी से लिंक्ड मैंने आपको एक पढ़ा एक मींस मैंने एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया था, एक प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया था. सो यहाँ पे भी वही चीज है. अगर हमने कुकीज यूज किया है, एपीआई कीज यूज हुआ है, सब चीज यूज हुई है, बट स्टिल CORS वल्नरेबिलिटी किस तरीके से हो गई, आज हम वो देखेंगे. ऑल राइट, सो हाउएवर इट ऑल्सो प्रोवाइड्स पोटेंशियल फॉर क्रॉस डोमेन अटैक्स. क्रॉस डोमेन अटैक्स, क्रॉस डोमेन अटैक्स में क्या होगा कि ऑलरेडी हमारी वेबसाइट एक डोमेन पे होस्टेड है, हमारा ऑलरेडी वेबसाइट एक डोमेन पे है, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज को चेंज करके हमने दूसरा यूआरएल लिखा एंड वो यूआरएल कॉन्फ्लिक्ट हो गया एंड हम दूसरी जगह मूव कर गए. किस तरीके से थर्ड पार्टी साइट्स इन्वॉल्व होती हैं एंड वो हमारी वेबसाइट को या हमारा जो ब्राउजर है उसको चेंज कर जाती हैं. कई बार आपने देखा होगा कि कैसे वेबसाइट्स, हमारी वेबसाइट खुली लेकिन वो रिडायरेक्ट हो गई या वहां पे कोई दूसरी ही वेबसाइट ओपन हो रही है. लिंक हमने लिखा है ये, लेकिन उससे हम दूसरे लिंक पे जा रहे हैं ऑटोमेटिकली. सो ये कुछ ब्राउजर बेस्ड वल्नरेबिलिटी है, कुछ क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटी है जिनकी वजह से ये इश्यू आ जाता है. ठीक है, तो आज हम इस चीज को रिजॉल्व करके देखेंगे. कॉर्ड्स इज नॉट अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉस ओरिजिन अटैक सच एज क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी. क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी आप लोगों में से सबको पता होगा, जिस जिसने मेरा सेशन अटेंड किया है सबको CSRF की नॉलेज होगी, ठीक है ना. सो यहाँ पे क्या है कि जब भी हम CSRF यूज करेंगे तो हम ये देखते हैं कि एंटी CSRF टोकन होना चाहिए, अदरवाइज हमारी वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन काफी ज्यादा वल्नरेबल हो सकती है. ठीक है, सो वही चीज यहाँ पे भी है. ऑल राइट, सो जिस जिसके जो जो भी क्वेश्चंस है प्लीज ड्रॉप इन द चैट विंडो. आफ्टर द क्लास आई विल गिव यू द आंसर. सर्च इंजन आपका मैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वाओ. सो आपका मैंने मैसेज रीड किया बट आफ्टर दिस क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर, सेटिस्फैक्ट्री आंसर. ऑल राइट, सो हम CSRF देख रहे थे. सो लेट्स रोल इन टू द नेक्स्ट. ये डायग्राम है, हम थोड़ा सा इस डायग्राम से समझते हैं. मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी एंड प्लीज जल्दी से बताइएगा किस किस को समझ में आया, किस किस को समझ नहीं आया. ओके, सो यहाँ पे देखिए एक बंदा बैठा हुआ है कंप्यूटर में, जस्ट लाइक यू. हम भी अपना काम करते हैं, आप भी अपना काम करते हैं,
पर सबका मोटिव अलग अलग होता है, किसी को सिर्फ पैसा कमाने के लिए करना होता है, किसी को नाम कमाने के लिए करना, किसी के कुछ और सपने होते हैं आगे बढ़ने के और वगैरह। सो उसी तरीके से ये भी एक बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो गेट रिक्वेस्ट है सेंसिटिव विक्टिम डेटा, देखिए यहाँ पे गेट उसने बता रखा है रिक्वेस्ट, यहाँ पे होस्ट बता रखा है, ओरिजिन बता रखा है, कुकी बता रखा है, ठीक है। ये सारी चीज लिंक्ड है एडमिन से, और फिर यहाँ पे लास्ट में दे रखा है HTTP 1.120 ओके 200 ओके सॉरी। अब यहाँ पे मतलब जब भी हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड रिस्पॉन्स में अगर 200 ओके आ गया है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमने जो रिक्वेस्ट करी उसका सर्वर रिस्पॉन्स प्रॉपरली दे रहा है, ठीक है। मीन्स उसका सर्वर रिस्पॉन्स बिल्कुल परफेक्टली देना दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, हमने सेंसिटिव डेटा देखा, API कीज देखी जो लिंक्ड है, ऑल राइट। सो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे कॉट्स वल्नरेबिलिटी हो सकती है। CORS वल्नरेबिलिटी की पहचान कैसे होगी, जब भी आप बर्प सूट से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिस्पॉन्स देख रहे हैं, तो रिस्पॉन्स में आप ये जरूर देख लें कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन में क्या लिंक आ रहा है, और एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रीडेंशियल्स ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी कि ये क्या करना चाह रहा है। अगर हमने कोई मेलिशियस सॉरी अगर अटैकर ने कोई मेलिशियस लिंक पास किया एंड वो लिंक पास हो गया, 200 ओके आ गया, और साथ ही साथ हमारे पास एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन वेबसाइट भी आ गई, मींस मेलिशियस वेबसाइट जो हमने पास करी वो भी आ गई, एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स भी ट्रू आ गए, सो यहाँ पे CORS वल्नरेबिलिटी पॉसिबल है। क्लियर है? काफी लोग पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, अभी शुरू हुआ है, डोंट वरी। काफी लोग ये पूछते हैं कि हम कैसे प्रिडिक्ट करें कि अटैक कौन सा लग सकता है, वल्नरेबिलिटी कौन सी हो सकती है। सो मैं अपने सारे बग बाउंटी सेशंस में आप लोगों को यही चीज बताती हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो ये वल्नरेबिलिटी हो सकती है, अगर इस तरीके से दिखता है तो ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी हो सकती है। सो आज मैं आपको वही चीज बता रही हूँ, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो जो नए ज्वाइनिंग है प्लीज ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनकॉमन वल्नरेबिलिटी है, शायद आप लोगों ने नहीं सुनी है, ये बग बाउंटी का एडवांस पार्ट चल रहा है, एडवांस अटैक्स चल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। आप जब सुनेंगे समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सबसे रिलेटेड तो हमने कर रखा है, हमें आइडिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो अभी नए ज्वाइनिंग हुए हैं उनके लिए मैं फटाफट से बता देती हूँ जिससे आप लोगों का रिवाइज हो जाए। जब भी कोई गेट रिक्वेस्ट आई है, मतलब गेट रिक्वेस्ट यहाँ से गई है, सर्वर ने वहां से 200 ओके रिस्पॉन्स दिया है, और अगर हमने रिक्वेस्ट में कोई वल्नेबल होस्ट लिख दिया है, ओरिजिन में हमने कोई वल्नेबल होस्ट लिख दिया है, वेबसाइट लिख दी है सॉरी, और उसका 200 ओके आया है, और उसके साथ हमें क्रीडेंशियल्स और ओरिजिन्स भी मिले हैं, तो CORS वल्नरेबिलिटी हो सकती है। CORS वल्नरेबिलिटी होती है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है ना। मतलब क्रॉस ओरिजिन का मतलब, क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस कर देना, लिंक कुछ और है, डायरेक्शन कुछ और मिल रहा है, वेबसाइट कोई और खुल रही है और उस पे हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं। हम इतने ज्यादा अपनी वेबसाइट्स में अपने काम में एंगेज हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा लिंक कब चेंज हो गया, हमारा डोमेन क्या था और अब डोमेन क्या हो गया, ठीक है। सो उसी वजह से ये वल्नरेबिलिटी पॉसिबिलिटी ले लेती है। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वल्नरेबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम CORS कॉन्फिगरेशन इश्यूज,
जब भी कोई वल्नरेबिलिटी आ रही है पर ACORS कॉन्फ़िगरेशन की वजह से रही है तो क्या होगा? मैनी मॉडर्न वेबसाइट यूजेस CORS टू अलाउ एक्सेस फ्रॉम सब डोमेन्स एंड ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज। ध्यान रहे, अगर आप कभी कोई बग बाउंटी कर रहे हैं या आप कोई वेबसाइट की टेस्टिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपका जो होस्ट है, आपका जो यूआरएल है, अगर वो चेंज हो रहा है एंड रेस्पॉन्स में 200 ओके आ रहा है, तो वहां पे CORS वल्नरेबिलिटी होने के चांसेस हैं। क्लियर है? देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CORS मे कंटेन मिस्टेक्स और बी ओवरली लेनियंट टू इंश्योर दैट एवरीथिंग वर्क्स एंड दिस कैन रिजल्ट इन एक्सप्लॉइटेबल वल्नरेबिलिटी। कई बार क्या होता है, हम ये चीज भूल जाते हैं कि यूआरएल भी चेंज हो सकता है, डोमेन पर भी अटैक हो सकता है, सब डोमेन तक भी अटैकर जा सकता है। सो हम उन पार्ट्स को नहीं देखते एंड वहीं पे हमारे फिर कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज आते हैं और वहां पे हमारे ये वल्नरेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, सर्वर जनरेटेड ACAO हेडर फ्रॉम क्लाइंट स्पेसिफाइड ओरिज हेडर। अब यहाँ पे ये चीज क्या होता है, ग्रेट, अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग सब मेरे साथ पढ़ें जिससे आपको क्लियर होता जाए साथ के साथ। सम एप्लीकेशंस नीड टू प्रोवाइड एक्सेस टू अ नंबर ऑफ अदर डोमेन्स, सही है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं डोमेन्स टू द नंबर ऑफ अदर, सम एप्लीकेशन नीड टू प्रोवाइड एक्सेस टू अ नंबर ऑफ अदर डोमेन्स। बहुत सारी एप्लीकेशन नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स को एक्सेस प्रोवाइड करती है। मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ अलाउड डोमेन्स रिक्वायर्स ऑनगोइंग एफर्ट्स एंड एनी मिस्टेक रिस्क ब्रेकिंग फंक्शनैलिटी। सो सम एप्लीकेशन टेक द इजी रूट ऑफ इफेक्टिवली अलाउइंग एक्सेस फ्रॉम एनी अदर डोमेन। देखो, आप ये नहीं सोचना कि PPT में मैम ने इतनी सारी लाइंस लिख दी, इतना सारा थ्योरिटिकल है। आपका डाउट तभी क्लियर होगा जब आप थ्योरी को पढ़ेंगे। और ये जो मैंने नोट्स बना के आपको दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे किस तरीके से एप्लीकेशंस के रूट बाईपास किए जाते हैं या डोमेन एक्सेस किए जाते हैं वो बता रखा है, ठीक है ना। सो सम एप्लीकेशन टेक द इजी रूट ऑफ इफेक्टिवली अलाइंग एक्सेस फ्रॉम एनी अदर डोमेन। वन वे टू डू दिस इज बाय रीडिंग द ओरिजिन हेडर फ्रॉम रिक्वेस्ट एंड इंक्लूडिंग अ रिस्पॉन्स हेडर स्टेटिंग दैट रिक्वेस्टिंग ओरिजिन इज अलाउड। नाउ क्या है, अब अगर हम ओरिजिन हेडर को यूज करें, याद रहे अलाउ एक्सेस में क्या क्या चीजें मिल रही है, क्रेडेंशियल्स मिल रहे हैं, होस्ट मिल रहा है, ओरिजिन हेडर्स में क्या क्या लिंक पास हो रहे हैं, उन सब से हमें पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर एन एप्लीकेशन दैट रिसीव्स द फॉलोइंग रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट क्या है हम वो देखते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? ड्रॉप क्विकली ड्रॉप इन द चैट विंडो किस किस को यहाँ तक समझ में आ रहा है, फटाफट से बताइए जिसे मैं आगे लेके चलूँ। आपको जल्दी जल्दी बताइए। क्विकली क्विकली ड्रॉप इन द चैट विंडो किस किस को यहां तक समझ में आ गया, सो दैट आई विल मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिकल। क्विकली क्विकली टेल मी, ड्रॉप इन द चैट विंडो, फटाफट से ड्रॉप कीजिए, आपको मैटर कैसा लग रहा है।
क्विकली ड्रॉप इन द चैट विंडो, फटाफट से कीजिए। ग्रेट, सो क्लियर 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 क्लियर, अंडरस्टूड। एक डाउट है, स्पाइडर सेइंग एक डाउट है, सोलो हैकर लिटिल बिट। जल्दी जल्दी पूछते चलिए जिससे अपन प्रैक्टिकल पे चलें, जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी आपको कभी भी प्रैक्टिकल समझ नहीं आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप लोग भी लैब सॉल्व करें, आप लोग भी प्रैक्टिकल करके देखें जिससे आपको डाउट क्लियर हो। जिस जिसके भी ये डाउट आता है, ये पॉसिबल कैसे है, ये होगा कैसे, किस तरीके से पहचाने, उसका आंसर इस स्लाइड में गिवन है। इसलिए आई एम जस्ट आस्किंग, जिसका भी एक डाउट है, स्पाइडर इज सेइंग एक डाउट है, क्विकली आस्क मी, जिससे फिर हम आगे चलें। बताइए बताइए, जो समझ गए बहुत बढ़िया। देखिए, जिसका डाउट है लिखते चलिएगा, मैं एक बार और इसको समझा देती हूँ। इसका आंसर यहाँ पे गिवन है, आपको नीचे लास्ट में दिख रहा होगा, आपको नीचे एक ऊपर बॉक्स दिख रहा है इस स्लाइड में और एक नीचे बॉक्स दिख रहा है आपको स्लाइड में। ओके, सो यहाँ पे बता रखा है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन http://maliciouswebsite.com। ऑल राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। स्पाइडर ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कॉक्स वेबसाइट में कहाँ परफॉर्म होता है, बैक एंड, सर्वर साइड या फ्रंट एंड? बेसिकली मैं बता दूँ, ये बैक एंड में नहीं होता, ये ब्राउजर में होता है। जहाँ पे अब जैसे ब्राउजर, आप सोचेंगे ब्राउजर में कैसे होता होगा, सो अगर अब देखिए, क्रॉस साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी नहीं है ये, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। इसमें क्या है, आप देखिए ऊपर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में ऊपर देखिए, गेट रिक्वेस्ट से एक होस्ट डाल रहा है वल्नरेबल वेबसाइट। ओरिजिन क्या है उस पर्टिकुलर होस्ट का, https://maliciouswebsite.com। सो अगर आपका रिक्वेस्ट में चेंजेस आते हैं और वहां पे आपका ऑब्वियसली रिस्पॉन्स सर्वर से ओके आता है, मतलब सर्वर से रिस्पॉन्स आपका 200 ओके आता है, और जब सर्वर से रिक्वेस्ट 200 ओके आता है तो वहां पे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, नीचे देखिए बॉक्स में ऐसा कुछ मिलेगा, और एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स टू मिलेगा। तो जब ये चीजें मिली ना, उस टाइम पे हमें, अगर हम एक्सेस लॉग्स को कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं, हमें एपीआई की के ओरिजिनल फॉर्म मिल सकती है, जिसको हम सबमिट कर सकते हैं, सोल्यूशन ले सकते हैं या उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, शायद आपको जल्दी से अच्छा सा समझ में आए। ब्लैक हैट एनोनिमस सेइंग, आई एम न्यू इन योर कोर्स मैम। ऑल राइट, आप पहले के बग बाउंटी के मेरे वीडियोस देखें, उसके बाद ये समझें, क्योंकि ये एडवांस अटैक है, इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा, पर पहले के अगर आपने कर रखे हैं सो डेफिनेटली आपको एक बार में समझ में आएगा। ऑल राइट, पहले एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर दोबारा से समझेंगे। स्नेहल सवंत कहते हैं कि अगर वेबसाइट वैलिडेटेड हुई तो बाईपास हो सकता है। बाईपास इज वॉट? बाईपास भी हमारे पास काफी सारी फंक्शनैलिटीज में होता है, मतलब आप इस अटैक को क्रॉस कर सकते हैं, राइट? आप यही कहना चाह रहे हैं? इफ आई एम रॉन्ग जस्ट करेक्ट मी। ओके, सो हम फटाफट से प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, फटाफट से आप यहाँ पे देखते चलिए, यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं, एंड देन रिस्पॉन्स, यही चीज हमने देखी थी। अब किस तरीके से प्रिवेंट करें वो हम बाद में देखेंगे, पहले फटाफट से प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल देखते हैं, सो पहले मैं बर्प ऑन कर लेती हूँ। जो जो भी नए हैं सबको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस लेक्चर से, क्योंकि मैं हमेशा बर्प सूट विद फायरफॉक्स हमेशा फ्रेश कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। सो अभी भी मैं कैलकुलेट फ्रेश ही करूँगी, ठीक है?
हम बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन यूज कर रहे हैं। हम बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन यूज कर रहे हैं, आप लोग भी यूज कर सकते हैं। ऐड करेंगे हम अपनी प्रॉक्सी, आई गेस यही होगी। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ सीएमडी में। आईपी कॉन्फ़िग से आप चेक कर सकते हैं, यस 18 ही है। 8080 पोर्ट पे आई एम वर्किंग ऑन, सो आप भी उस पे वर्क कर सकते हैं। ऑल राइट, अब मुझे रीजनरेट करना है सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखाने के लिए। यस करूंगी, आई विल गो ऑन फायरफॉक्स अगेन। फायरफॉक्स में वो कॉन्फिगर्ड था पहले से ही, इस वजह से मेरे को वो दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ से मेरे को सर्टिफिकेट डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले से रजिस्टर कर रखा है, राइट? अगर आप न्यू रजिस्टर कर रहे हैं तो प्लीज आप ये फॉलो मत करना डिलीशन का, क्योंकि आपके पास होगा ही नहीं, ठीक है ना? बट मैं एक बार डिलीट करके दोबारा से करके दिखा देती हूँ जिससे कि जो नए हैं वो देख सकें। ये मेरा पहले का पोस्ट विगर का सर्टिफिकेशन है जिसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं नया इस पे इम्पोर्ट करूँगी, सो मैं इम्पोर्ट पे जाऊँगी एंड आई विल गो ऑन डाउनलोड्स। ओके, मैंने अभी जनरेट नहीं किया, जनरेट पे क्लिक किया, लेकिन हम सर्टिफिकेट तो डाउनलोड करें। सो http://burp, और यहाँ पे हमारे पास कुछ गड़बड़ हुई है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हमने प्रॉक्सी बंद कर रखी थी, प्रॉक्सी को ऑन करना पड़ेगा आपको। अब मेरे को बर्ब खोलना पड़ेगा सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। सॉरी, http://burp, यहाँ से CA सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। सो जो जो भी न्यू यहाँ पे एडेड है प्लीज देखते चलें, जल्दी जल्दी समझते चलें जिससे कि मेरे को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। आप डाउनलोड हो गया होगा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज पे जाएं, व्यू सर्टिफिकेट पे जाएं, इम्पोर्ट पे जाएं, CA सर्ट पे जाएं, ट्रस्ट दिस CA टू आइडेंटिफाई द वेबसाइट। ओके ओके, एक बार प्रॉक्सी बंद करके मैं लैब ओपन कर लेती हूँ। सो होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ये मेरी हर वीडियो के प्रैक्टिकल के स्टार्टिंग में आपको मिलेगा जिससे कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए, जो भी फर्स्ट टाइम ही क्यों ना देख रहा हो। पोस्ट विगर लैब हम खोलेंगे, हमारे पोस्ट विगर लैब के जो बेसिक प्रैक्टिकल्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, अब हमारा एडवांस पार्ट चल रहा है। सो कोई भी मिस मत करना, प्रैक्टिकल करना भी और वीडियो देखना भी। कॉक्स वल्नरेबिलिटी है, अभी इसका ये एक ही पॉइंट सॉल्व हुआ है, कल मैं यही वल्नरेबिलिटी दोबारा लाऊंगी, इसके बाकी 3 पॉइंट्स भी सॉल्व करूंगी। आज एक इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, आप लोग आज ये करके ही सोना,
जिससे कल हम नया करेंगे इसमें एक्सेस द लैब। अब लैब को एक्सेस करने से पहले एक बार समझ लेते हैं, दिस वेबसाइट हैज इनसिक्योर सी ओ आर एस कॉन्फिगरेशन इन दैट इट ट्रस्ट ऑल ओरिजिन्स टू सॉल्व द लैब क्राफ्ट सम जावास्क्रिप्ट दैट यूजर्स, मैंने क्राफ्ट करके रख रखा है, कॉल्स टू रिट्राइव एन एडमिनिस्ट्रेटर्स एपीआई एंड अपलोड दैट कोड टू योर एक्सप्लॉइट सर्वर। जो एपीआई आएगा उसको एक्सप्लॉइट सर्वर पे अपलोड कर देना है और उससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। पोस्टविगर की जो लैब है उसका जो डमी यूजर नेम पासवर्ड है वो ये है, उसने गिवन कर रखा है, सो हम इस पे चलते हैं। एक बार प्रॉक्सी लगा लेते हैं, वर्ब सूट में चेक कर लेते हैं कि हमारा सारा पॉसिबिलिटी चल तो रहा है ना, एक पता चले नहीं चल रहा हो, है ना। सो हम ये चीज देख लेते हैं फटाफट से, कौन कौन जुड़ा हुआ है फटाफट फटाफट बताते चलिए। यस डार्क वेब वो भी आएगा। इसको रीलोड करके देख लेते हैं। हिस्ट्री में जाते हैं, एक बार चेक करते हैं नीचे आके आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सब चीज चल रही है, सो लेट्स गो। जिसके जो जो भी क्वेश्चंस है प्लीज डालते चलिएगा, कंटेंट कैसा लग रहा है वो भी बताते चलिएगा, बिकॉज आपके मोटिवेशन की बहुत जरूरत रहती है हमें, जिसे हम और अच्छा बना के लाएं। मेरा कोई भी रीजन नहीं था कि मैं एडवांस अटैच भी दिखाऊं आपको पोस्ट विगर लैब के, बट आप सबका इतना ज़्यादा मेरे को सपोर्ट मिला, आप लोग सॉल्व भी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने मेरे को बताया है, सो मैंने सोचा कि फिर मेरे को आगे का भी आपको बताना चाहिए एडवांस अटैक्स। ओके ऑल राइट, सो अब क्या करेंगे, हम माय अकाउंट पे जाएंगे, इसका डमी यूजर नेम बता रखा है ऑलरेडी इन्होंने, हम वही करेंगे पीटर, लॉगिन करेंगे तो ये एपीआई आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली अगर जैसे कोई नॉर्मल वेबसाइट होती तो उस पे फ्रंट पे शो नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ पे ये लैब है इसलिए इसमें फ्रंट पे शो हो रहा है, पर हमें इतना वरी नहीं होना कि अरे ये लैब पे शो हो रहा है, अब हमें वहां पे कैसे लाइव वेबसाइट पे दिखेगा या क्या होगा। हम बर्ब सूट पे चलते हैं, बर्ब सूट पे हम गेट रिक्वेस्ट में जाते हैं, हम सारी रिक्वेस्ट को खोल के देखते हैं, लॉगिन खोल लेते हैं, अकाउंट खोल लेते हैं, अकाउंट डिटेल्स पे चलते हैं। देखिए सबको दिख रहा होगा, हमने अब आप यहाँ पे देखिए प्लीज, सब फटाफट से ध्यान से देखना शुरू करो तो आपको ना जल्दी जल्दी समझ में आता जाएगा। जिसके जो क्वेश्चंस हैं प्लीज ड्रॉप इन द चैट विंडो, पर ध्यान से देखते चलो समझते चलो, ये एडवांस अटैक है पोस्ट विगर लैब का और एक्चुअल बग बाउंटी का, ये एडवांस अटैक है जो मैं आपको करवा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी किस पे क्लिक किया है, मैंने अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक किया है, सो उसका जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस मेरे सामने आया है वो ये आया है, जिसमें आप देख सकते हैं होस्ट गिवन है, कुकी गिवन है, यूजर एजेंट एक्सेप्ट एक्सेप्ट सब सब चीजें गिवन है। ओके अब रिक्वेस्ट तो हो गया, अब हम एक बार देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या क्या गिवन है। रिस्पॉन्स 200 ओके आया, ध्यान से देखना, एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स ट्रू आया और उसने हमें यहाँ पे यूजर नेम दिखा दिया, ईमेल एपीआई सेशंस दिखा दिया, पर यहाँ पे उसने जो हमें एपीआई दिखाया उसका हमारे पास कोई मींस उसका हमें कोई यूज नहीं है,
ठीक है ना, अभी के लिए, अभी के अटैक के लिए। सो हम आगे इसमें यूज, आगे मूव करते हैं। रिपीटर में चलते हैं। इस रिक्वेस्ट को ही रिस्पॉन्स लेते हैं। ये चीज आई, अब ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रही थी कि किस तरीके से CORS वल्नरेबिलिटी पता चलती है। हम इस रिक्वेस्ट को जब रिपीटर में डाला, हम यहाँ पे ओरिजिन लिख के देखते हैं। रैंडम हाइफन website.com सेंड करके देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने ऐसे ही ओरिजिन डाला, http://randomwebsite.com। उसने मुझे रिस्पॉन्स में 200 ओके दे दिया। साथ ही साथ उसने जो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 दिया ना, उससे ये वेरीफाई हो गया कि CORS वल्नरेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लूज हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे होस्ट का कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिन का कॉन्फ़िगरेशन, ब्राउजर से पास होते हुए लिंक का कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर नहीं है, इस वजह से ये हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगी, लेट सपोज google.com, एक बार खोल के देखते हैं। देखिए, उसने यहाँ पे रेस्पॉन्स दे दिया google.com, मतलब google.com साइट खुल जाएगी। तो अगर यहाँ पे मैं कोई अटैकर मेलिशियस वेबसाइट डाल दे, तो मेलिशियस हाइफन वेबसाइट .com, सो उसने यहाँ पे हमें मेलिशियस वेबसाइट .com भी दे दिया है। ठीक है ना, सो कहने की बात यह है कि वो लिंक पास कर रहा है, कोई सा भी लिंक पास कर रहा है। ठीक है, अब इस चीज के लिए क्या होगा, इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम एक स्क्रिप्ट रेडी करेंगे जिसको हम अपनी लैब में लगाएंगे एक्सप्लॉइट सर्वर के टाइम पे। ये स्क्रिप्ट मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं, और इसमें यूआरएल भी डाल देती हूं। जहां पे HTTPS लिखा है उधर हम ये URL पास कर देंगे। जिसके भी जो भी डाउट है, जिसके जो भी क्वेश्चंस है, प्लीज डालते चलिए, मैं सेशन के एंड में आपको रिस्पॉन्स देती चलूंगी। सो यहाँ पे हमने एक HTML कोड लिखा है जिसके अंदर JavaScript लिखी गई है। कुछ एजिक्स की वल्नरेबिलिटी, कुछ JavaScript की वल्नरेबिलिटी CORS मिस कॉन्फ़िगरेशन कर सकती है, और ये एक अटैक, ये एक वल्नरेबिलिटी बन सकती है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्सएमएल रिक्वेस्ट लिखा गया है, ये यूआरएल हमने लिखा है। एक कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है आर, जिसके अंदर हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, अगर वो रेडी स्टेट में है तो क्या आएगा, एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट डॉट डन, ये पर्टिकुलर फंक्शन वर्क कर जाएगा। और फेच क्या करेगा,
जो भी की होगी, जो भी लॉग में की आएगी, उसको वो फेच करके रिस्पॉन्स टेक्स्ट में बता देगा। अब ये सब चीजें होने के लिए क्या होगा, हमें एक ओपन फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसमें गेट फंक्शनैलिटी होगी, यूआरएल अकाउंट डिटेल्स होंगी। अगर क्रेडेंशियल्स ट्रू हैं तो हम इसको वैलिड कर सकते हैं। अब इसको एक बार मैं कॉपी करके देखती हूँ। बॉडी में हम पेस्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, डिलीवर टू विक्टिम पे क्लिक करेंगे, इसकी एक्सेस लॉग को चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे एक्सेस लॉग? क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट लगाई है उसमें हम फेच कर रहे हैं लॉग्स, ठीक है। और कभी भी कोई भी फंक्शनैलिटी होती है उसकी लॉग्स होती हैं, मतलब जैसे हमारे पास कॉल लिस्ट होती है ना कि कितनी बार इस नंबर पे कॉल गए, उसी तरीके से सर्वर के पास भी हमारी लॉग्स होती हैं, हम उसी को चेक करेंगे। ये देखिए इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये एपीआई की है, परसेंटेज वाइज वाली चीज नहीं लेंगे, हम सिर्फ टेक्सुअल चीज लेंगे। इसे कॉपी करेंगे एंड सिंस इट्स अ लैब, सबमिट करेंगे सॉल्यूशन। और हम पास हो जाएंगे। सिंस ये लैब है, इसमें वल्नरेबिलिटी है, वो मैंने आपको दिखाया। लाइव साइट्स पे करने के लिए, लाइव साइट्स पे आप जब भी ये करेंगे तो आपको बर्प सूट की रिक्वेस्ट देखनी पड़ेगी, सर्वर से कनेक्शन लेना पड़ेगा। सिंस यहाँ पे हमारे पास वल्नरेबिलिटी जो भी है वो लैब में है, लैब उसने पूरा सॉल्व कर रखा है कि किस तरीके से कौन सा आप सर्वर यूज कर रहे हैं, कि सब चीज कॉन्फिगर्ड है, इसलिए हमें यहाँ पे होती हुई सारी चीजें दिख रही है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये चीज समझें, रियल साइट पे ये स्क्रिप्ट कैसे डालेंगे। रियल साइट पे जब भी आप ये स्क्रिप्ट डालेंगे तो उनका जो HTML कोड होगा आप वहां पे डाल के देखें, और नहीं तो ये जब भी आप एक्सप्लॉइट करेंगे इसके लिए आपको सर्वर की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे लॉग्स सर्वर दिखा रहा है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे रहेगी। सो आई थिंक आपको ये लैब का कंटेंट समझ में आ गया है। जब तक आप वल्नरेबिलिटी की लैब्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लाइव साइट्स पे तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये होगा कैसे, आप देख भी नहीं पाएंगे। एसर वाला लैपटॉप आप ले सकते हैं, 60 के अंदर आ जाएगा। i5 ले लें आप, i7 तो कॉस्टली पड़ जाएगा। अभी लैपटॉप्स की क्या रेट चल रही है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो आप एसर का ले लें, ठीक है ना, एसर अच्छा है, हम एसर ही यूज करते हैं। ऑल राइट, सो आई थिंक आप सबको यहाँ तक का कंटेंट समझ में आ गया है। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारी स्लाइड में एक चीज बची हुई थी, हम वो देख लेते हैं। इस वल्नेबिलिटी को प्रिवेंट किस तरीके से करें, हम वो चेक करते हैं। जब भी ये कोई वल्नेबिलिटी आएगी, जब भी ये वल्नेबिलिटी आएगी, इसको पैच करने के लिए या इसको सेफगार्ड करने के लिए हम प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट में। सिर्फ ट्रस्टेड साइट्स को ही अलाउ करेंगे, और कॉर्ड्स इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सर्वर साइड रिक्वेस्ट पॉलिसीज। आप सोचें कि सर्वर साइड पे हम कॉन्फ़िगरेशंस लगा दें, नहीं, वो आपको ब्राउजर बेस्ड आपको क्लाइंट साइड पे ही लगानी पड़ेंगी। सो ये इसका प्रिवेंशन है। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। आपको समझ में आया हो होपफुली, प्लीज ड्रॉप द मैसेज नाउ अगर किसी को कोई डाउट है तो।
ये जो स्क्रिप्ट मैंने बनाई है, ये स्क्रिप्ट आपको बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर आपने जावा स्क्रिप्ट आती है, एजेक्स आता है, तो बन जाएगी, क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो को दोबारा से रोटेट करके देखें, ठीक है? उसको मैंने उस स्क्रिप्ट को आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो स्क्रिप्ट लिखी क्यों गई है और उसका क्या क्या रोल है। सीवीई भी ये वल्नरेबिलिटी है 2021 की। डार्क वेब में ये पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अभी जब ये सेशन एंड होगा, सो बाय 11 o'clock अराउंड आज ही मैं आपको ये पीपीटी इसी आप इसी लिंक पे जाके देखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं ये पीपीटी डाल दूंगी, ठीक है? सो आप लोग वहां से पीपीटी ले लीजिएगा। सर ने सुबह ले लिया था। डार्क वेब इज आस्किंग मैम आपका एसक्यूएल वाला वीडियो कहाँ है। देखो, मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन से ही ये लैब स्टार्ट करी थी। आप जाके देखो, फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा। मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन सारा एक्सप्लेन कर रखा है और फिर सारे सिक्वेंशली चल रहे हैं मेरे अटैक्स, सो आप उसको देख लीजिएगा। अगर डार्क वेब नहीं मिलता तो मुझे ड्रॉप कीजिएगा मैसेज, मैं आपको फिर ढूंढ के लिंक दे दूंगी, ठीक है? पर एसक्यूएल इंजेक्शन का हो रहा है। अगर किसी के कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, और अब जल्दी से बता दीजिए, कंटेंट कंप्लीट हो गया है, कि आपको कंटेंट कैसा लगा, आपको अटैक कैसा लगा, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। आपके कमेंट्स के बिहाफ पे हम कंटेंट और अच्छा बना पाएंगे और अच्छा ला पाएंगे और अपने आप में इम्प्रूव कर पाएंगे कि आपको और कैसे सिंपलिसिटी से पढ़ाएं और बेस्ट तरीके से पढ़ाएं। सो प्लीज बताते चलिए। और हमारा जो एक नया चैनल आया है, हैकर ब्लॉग लाइव, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करते चलिएगा और जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए, जिससे कि हम इस चैनल पे, हैकर ब्लॉग पे, 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें। सो जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज, थोड़ा जल्दी जल्दी हेल्प कीजिए। कॉक्स वल्नरेबिलिटी में आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सर्च बॉक्स पे जाना है या एडमिन यूआरएल पे जाना है। आप नॉर्मल वेबसाइट खोलें, आप अकाउंट पे जाएं, ठीक है ना? जो लॉगिन वाला अकाउंट होता है, आप उधर से चेक करें। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, मैंने अकाउंट डिटेल्स को ऑन करके ही आपको दिखाया है। जब हम लॉगिन हो जाते हैं, उसके बाद जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है वर्ब की, वो मैंने आपको खोल के दिखाई है। स्पाइडर, अभी हम एक एक वल्नरेबिलिटी ले रहे हैं। ये सारे एडवांस अटैक्स हैं। सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन भी आपका एडवांस टू एडवांस अटैक है, वो भी आएगा। अभी पहले CORS कंप्लीट हो जाए, कल मैं कंप्लीट कर दूंगी CORS एंड देन हम सर्वर साइड पे चलेंगे। ठीक है, डार्क वेब मैं आपको एक बार देख के दे दूंगी, वरना आपको मिलेगा, मैं आपको देख के बताती हूँ। आप बग बाउंटी की सीरीज पे जा सकते हैं। आपको मिलेगा यहाँ पे, अगर नहीं मिल रहा है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस यहीं पे अवेलेबल हैं सारे हमारे। सारे वीडियोस यहीं पे अवेलेबल हैं, आप आराम से देख सकते हैं और आपको चीजें भी मिल जाएंगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बग बाउंटी सीरीज सारी मिल जाएंगी, बट अगर इन केस नहीं मिल रही है, सो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू, है ना? मैं आपको लिंक भी दे देती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है या नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूंगी। नहीं विक्रांत, हमने इसको एक्सप्लॉइट करके देखा है। वैसे अगर जैसे कई बार वेबसाइट्स में सर्वर्स प्रोवाइडेड नहीं होते और ये क्लाइंट साइड का है, तो आप ऐसे कर सकते हो इजीली कि अगर आपने क्रॉस ओरिजिन देखा और आपने मैलिशियस वेबसाइट का लिंक पास किया और वो हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसका POC भी डाल सकते हैं।
ऑफिशियल क्रिएशन यू विल बी कंफ्यूज्ड बिकॉज आप जब मैं पढ़ा रही थी तब आप लैपटॉप के बारे में पूछ रहे थे। सोलो हैकर आप ना फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें मेरी, तो आपको जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा समझ में आता जाएगा। और किसी का कोई डाउट है, इस वीडियो को दोबारा से देखें आप, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। थैंक यू। अगर किसी का डाउट है तो प्लीज़ बताइए। होपफुली आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो, एंड कमेंट्स देते चलिएगा जिससे हम मोटिवेट भी हों और अच्छा कंटेंट मैं लेके आऊँ। और भी जो एडवांस टू एडवांस अटैक हैं, मैं वो सारे अटैक्स आपको करा पाऊँ और आप कर पाएँ ईजिली, ये मेरा मोटिव है स्पेशली इस लैब के साथ। फिर जब ये लैब ख़त्म होगा तब मैं आपके लिए दूसरी चीज़ें लेकर आऊँगी। विक्रंत आप एसक्यूएल इंजेक्शन का वीडियो देखें, और अगर नहीं मिलता है तो मेरे वीडियो पे आप कमेंट करें कि नहीं मिला, तो मैं ये पूरी सीरीज़ का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी कम्युनिटी में आज रात को या मोस्ट प्रोबेबली कल तक। सब एक्सेसेस की वीडियो में आप देख सकते हैं, एक्सेसेस के पेलोड्स मैंने बता रखे हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है, आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े और ये कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा एंड काफ़ी मोटिवेशन भी मिला है। सो आप जल्दी जल्दी हमारा 10K सब्सक्राइबर कर दीजिए जिससे हम अजमेर का टूर लगाएं एंड देन उसके बाद हम लोग आपकी सिटी में भी आएं फटाफट से। सो आई थिंक आप जिसके भी जो भी क्वेश्चन है आप ड्रॉप कीजिएगा नीचे कमेंट विंडो में, मैं ये सेशन एंड करती हूँ। डार्क वेब मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन में एसक्यूएल सिखाने के लिए बोला था, तो मैंने वहां पे बताया है आपको, आप मेरे एसक्यूएल की वीडियोस देखो आपको मिलेगा। मैंने एसक्यूएल बताया है, उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन बताया है, और नहीं मिलता है तो भी बताओ तो मैं आपको वीडियो ढूंढ के दूंगी। थैंक यू विक्रांत, थैंक यू सो मच, आप सबके कमेंट्स बहुत अच्छे लगे एंड आई रियली फील ग्रैटिट्यूड फॉर दिस, थैंक यू। जिस जिसको नहीं मिलेगा वो प्लीज मुझे बताइएगा, तो मैं आपको लिंक दूंगी पूरे बग बाउंटी सीरीज का, ठीक है, बता दीजिएगा मेरे को चैट विंडो में। सो अब मैं जा रही हूँ। ऑफिशियल क्रिएशन क्या हुआ आपको, आपका मुंह क्यों लटक गया? हम संडे को भी दिन में रात को इसलिए वीडियोस लेते हैं जिससे आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। सो हम अगर एफर्ट्स दे रहे हैं तो आप लोगों की तरफ से कमेंट्स, मोटिवेशनल कमेंट्स तो मिलने ही चाहिए। सो थैंक यू सो मच। स्टार बॉय कहते हैं, डू आई नीड टू मास्टर एसक्यूएल टू राइट मैनुअल एसक्यूएल क्वेरीज फॉर इंजेक्शंस और जस्ट यूज प्री लोडेड पेलोड्स? बेटर है आप प्री लोडेड पेलोड्स यूज करें, पर एसक्यूएल इंजेक्शन से पहले अगर आपको एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में पता होगा तो एक प्लस पॉइंट रहेगा। आप वीडियोज देखें मेरी, आपको एसक्यूएल इंजेक्शन एज वेल एज एसक्यूएल क्वेरीज आ जाएंगी बनानी, ठीक है। ऑल राइट, सैम राजपूत आप ये मेरी वीडियो देखें, मैंने इसमें बेसिक से एडवांस तक का बताया है। आज का अटैक एडवांस अटैक था, आप देखें, ठीक है। अभी मेरा वीडियो एंड हो गया है, कल मैं कॉर्ड्स का ही पार्ट टू लेकर आऊंगी जिसमें उसकी जो बची हुई फंक्शनैलिटीज है मैं वो भी कंप्लीट कराऊंगी, तो आप कल शुरुआत से बैठिएगा सेशन में, ठीक है। आप देखिए, किसी को भी कोई डाउट आता है तो आप चैट विंडो में तो दे ही सकते हैं और आपका आज नहीं तो कल आंसर मिल जाएगा। एसर मॉडल नेम यार देख के बताना पड़ेगा, अभी ऐसे तो पता नहीं है। मेरे पास तो नीट्रो 5 है, बट नीट्रो 560K में आता है नहीं आता है अब उसका मुझे आइडिया नहीं है,
तो आप देखें थोड़ा सा, ठीक है, वरना बताती हूँ मैं कल, ठीक है? ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, हैप्पी संडे, इंजॉय इंजॉय द इवनिंग, ठीक है? एंड चलिए अब बाय बाय, कल मिलते हैं, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।